ସାର୍ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା କି ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି ସାର୍ ଯେଉଁ ଭାଇ କବଳ କଲେ କ'ଣ ଛଡ଼େଇ ନେଇକି ଅପରାଧ ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ରାତିର କଥା ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟାଟି ସମୟ ଏଇଟା 9:30 ଆଡ଼େ ହେବ ସେ ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଧେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଯିବାର ଥିଲା ତ ଆମର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇ ଯେ ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଖରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ତ କିଛି ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ପିଲା ତାଙ୍କର ଡ୍ରିଙ୍କ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ କହି ତାମାନେ ଚାଲ ଲଜ୍ ଖୋଜିଦେବୁ ବୋଲିକିରି ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥିଲେ ତ ସେମାନେ ବି ରାଜି ହେଇଯାଇଥିଲେ କାଲି ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ା ରାତି ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବେନି ତ ତାଙ୍କ ସୁଯୋଗ ନେଇକରି ସେମାନେ ସେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାର୍ରେ ବସେଇଲେ ବସେଇକି ଯେଉଁପଟେ ନେବା କଥା ସେପଟେ ନ ନେଇକି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲାଟା ଅଫିସ୍ କଲା ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇକି ଝିଅଟାକୁ ଧରିକି ପଳାଉଥିଲେ ହଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜୟନଗର ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଅଛି ସେପଟକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ତ ଯେଉଁଠି ସେ ଗାଡ଼ିଟା ରଖିଲେ ଚାଲାକି ଟିକେ ଝିଅ ଟିକେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଖଟିଲା ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲା ତ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ସେ ପିଲାଟା ଆସିକି ଆମ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ କଲା କି ଆଜ୍ଞା ସେ ଝିଅ ଆମର ଯେଉଁ ଭଉଣୀଟାକୁ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଧରିକି ପଳାଇଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ତ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ସେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ରାତି ସାରା ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ପାଇନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ଗଲାବେଳେ ସେ ଝିଅଟା କିନ୍ତୁ ଥିଲା ସେଠି ତ ତାକୁ ଆସିକିରି ଆଜି ସେହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତାଙ୍କଠୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥ୍ରୀ କିଡ଼ନାପିଂ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖୁଛି ନା ତାଙ୍କର ଭେରିଫାଏ ଚାଲୁଛି ତାଙ୍କର ଦେଖିବା ଆଉ କିଏ କିଏ ଥିଲେ କି ନଥିଲେ ସେଟା ଟିକେ ଆମେ ଭେରିଫାଏ କରୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅଟୋରେ ଆସିଥିଲେ ବୋଲିକିରି ଅଟୋରେ ଆସିଥିଲେ ତାପରେ ଏଠୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ବିଶାଖାପାଟଣା ସେମାନେ ସେ କାର୍ରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କାର୍ରେ ଧରି ନେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାର୍ଟାରେ 800 ମାରୁତି 800ରେ ତାକୁ ନେଇକି ପଳାଇଥିଲେ ଅଛି ଆମ ଥାନା ସେଟା ସିଜ୍ ହେଇଛି जब उधर से आए गाड़ी से कहाँ से कहाँ आ रहे थे क्या हुआ कल सब पूरा बोल तो उधर जगदलपुर से आके यहाँ पे उतारे गाड़ी ऑटो उतार के खाना खाए होटल में खाना खा के लाज में गए थे लाज में काली नहीं बोले तो वहाँ से दूसरा लाज में गए तो वहाँ आधार कार्ड पूछे आधार कार्ड नहीं है बोल के बताए तो इधर ही आए फिर से यहाँ आने के बाद एक लड़का आया तुम लोग लाज चाहिए क्या बोल के पूछ रहे कौन कौन थे जब आए थे मेरा बहन भी थे बहन थे जी तो आया आने के बाद तो लाज आए जाओगे क्या बोल के पूछ रहा हम लोग नहीं आएंगे फिर आएंगे आप जाओ बोल के हम लोग बताए तो नहीं सुना फिर से आया फिर आके चलो बोला तो गए हम लोग लाज देखने वो दे वहाँ पे तो ऊपर चढ़ाए थे बिल्डिंग के ऊपर चढ़ाए वहाँ से चढ़ा के क्या किया ज़बरदस्ती ऊपर चढ़ाए फिर से वहाँ से चढ़ा के वहाँ बैठो बोले वहाँ बैठ के वहाँ थोड़ी देर बैठे फिर से हम लोग बैठने के बाद और एक आदमी आया मोटो आदमी वो आया वो आने के बाद फिर से हम लोग डाउट लगाए इन लोग कुछ गलत काम करने के लिए आए बोल के हम लोग फिर से वहाँ से उतारने के लिए हो रहे थे फिर से पकड़ लिए मेरे बहन को और मेरे को तो उसका हाथ पकड़ खींच के ला रहा था तो भी वो और एक आदमी रास्ता में आ रहा है नहीं जाओ बोल के मेन रोड में ना कहाँ पर ऊपर में बिल्डिंग के ऊपर तो बोला तो मैं हम लोग जाएंगे हम लोग छोड़ दो बोल के हम लोग बताने से तो नहीं सुने फिर से वो क्या किया मेरे को मारा मारने के बाद फिर से ऐसा भी इन लोग मारेंगे बोल के फिर से नीचे उतारने के लिए ऐसा भी आ रहे थे फिर वो चाकू दिखा जाओगे तो मार देंगे बोल के तो ऐसे उतार गए फिर से नीचे सीढ़ी से नीचे उतारने के बाद मेन रोड से फिर बग के आ रहे थे फिर ज़बरदस्ती खींच के ले जाके बहन को चढ़ा दिए इस कार पे कार में जी उसमें चढ़ाने के बाद तो उसको फिर उतारने बोला उतारने बोलने से नहीं सुने तो आना है तो आ नहीं तो उसको अकेले को ले जाएंगे बोल के बता तो मैं भी चढ़ा ज़बरदस्ती करके चढ़ाए वो मोटू गाड़ी चलाने चढ़ाए वो गए डायरेक्ट उधर जंगल रास्ता में ले गया जंगल में घुसा है खराब काम कुछ भी नहीं लेकिन ऐसी जहाँ पड़े वहीं पकड़ना पड़ रहे थे जी तो नीचे गिराया रेप करने का कोशिश कर रहे थे अच्छा। तो वहाँ से वो जंगल में गए थे उतार दिए तो नहीं नहीं वो तो हम लोग इधर हम लोग पतला आदमी और मैं इधर उसको छोड़ाने के लिए मैं भाग रहा था फिर से पतला आदमी फिर पकड़ लिया मेरे को
नहीं जा बोल के, नहीं जा बोलने से वो फिर से बोला, वो फिर उधर उस पर ले जाके तो उसको जहाँ पड़ा इस पकड़ रहा। नहीं तो आप अभी एफआईआर दिए हैं ना? जी हा? जी पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस पुलिस क्या बोल रहा है आपको? आप एफआईआर दिया ना? जी वो दो लड़के को रखे ना पुलिस? जी रखे।